वक्त हम मौजूद है गरफा थाना के ठीक बाहर, जहां बीती रात सपुईपारा इलाका में एक तेज रफ्तार कार ने दो लोगों को कुचल दिया। हादसे में रतन सरकार नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं नीलोत्पाल विश्वास नामक व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है। कहा जा रहा है कि शुभम बैनर्जी नामक एक युवक जो कि इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष का छात्र है, बीती रात अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी कर न्यू अलीपुर से घर लौटने के लिए निकला। जैसे ही वो जादवपुर के प्रिंस अनवरसा रोड से सपुईपारा के पास पहुंचा, तभी उसने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे से गुजर रहे नीलोत्पाल विश्वास और रतन सरकार को टक्कर मार दी। यही नहीं, उन दोनों व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद जैसे वो आगे बढ़ा तो सड़क किनारे एक लाइट पोस्ट से टकरा गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुभम बैनर्जी को हिरासत में ले लिया, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि शुभम नशे की हालत में था, जिसके कारण उसने इस दुर्घटना को अंजाम दिया। इस गाड़ी में भी काफ़ी आप देख सकते हैं किस तरह से चोट के निशान, किस तरह की क्षति पहुंची है। कैमरा पर्सन दीपेन के साथ मैं दीपक सनमार्क, कोलकाता।